This conference will now be recorded. Okay, so क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप सब? रोजमेरी स्टीवर्ट पे हमने कल एंड किया था, so let's start up with there. आज हम स्टीवर्ट का मॉडल कंप्लीट करेंगे और आज हम इंशाल्लाह एल्टन मायो को भी डिस्कस करेंगे. ये दो मेन आज के हमारे एजेंडाज हैं. टुडे विल बी कंप्लीटिंग अप विद स्टीवर्ट और कल जैसे मैंने अनाउंस किया हुआ है, कल आपका स्टीवर्ट तक का टेस्ट होगा. पहली पांच थ्योरीज का टेस्ट की मोडालिटीज आपको ऑलरेडी पता हैं. आई वुड सजेस्ट के टेस्ट जो है वो आप कल की डेट में ही अटेम्प्ट करके सबमिट करवा दें मुझे, तो एंड दैट इज गोइंग टू बी द वे. वो मैं व्हाट्सएप पे दोबारा अनाउंस कर दूंगा प्रोसेस पूरा जो है. ठीक है, ओके. सो स्टीवर्ट की थ्योरी में हमने कहा था कि इसके दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा है रोजमेरी स्टीवर्ट का, दैट टॉक्स अबाउट द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. फीचर्स क्या हैं ब्यूरोक्रेसी में, और हमने कल डिस्कस किया था कि रोजमेरी स्टीवर्ट का मॉडल मोर और लेस वेबर के मॉडल को ही सपोर्ट करता है विद अ वेरी स्लाइट डिफरेंस. ठीक है, इसके अंदर रोजमेरी स्टीवर्ट का जो मॉडल है उसमें शी टॉक्स अबाउट स्पेशलाइजेशन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, शी टॉक्स अबाउट सिस्टम ऑफ रूल्स एंड इम्पर्सनैलिटी. ठीक है, और यही चीजें मोर और लेस डिस्कस की हैं हमने मैक्स वेबर के मॉडल में. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन मैक्स वेबर. ठीक है, अच्छा, स्टीवर्ट की थ्योरी का जो एक्चुअल क्रक्स है, जो इसकी थ्योरी की एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, रादर आई वुड से इसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि स्टीवर्ट ने कहा था कि रीजंस क्या हैं ब्यूरोक्रेसी की ग्रोथ के. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी. यू सी, स्टीवर्ट सेड के बाकी मॉडल तो ठीक है, इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती हैं जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी हम रैशनलाइज कर देते हैं और कोऑर्डिनेट कर देते हैं. दैट्स फेयर इनफ, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी. वेबर वाज नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस. वेबर इस चीज पे इतना क्लियर नहीं था. वेबर ने बहुत बेसिक लेवल पर इतना जरूर बताया था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ग्रो करेगी और ग्रोइंग नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, बट वेबर वॉज नॉट वेरी क्लियर दैट Why firm will need bureaucracies? इदारों को bureaucracies क्यों चाहिए होंगी? इस चीज को justify किया था रोजमेरी स्टीवर्ट ने. स्टीवर्ट ने चार वजूहात बताई थी. सितंबर 2016 का क्वेश्चन था ये पेपर में. सितंबर 2016 की अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पुट किया था. एग्जामिनर ने पूछा कि रीजंस क्या हैं ब्यूरोक्रेसी की ग्रोथ की ऑर्गेनाइजेशंस में एज पर रोजमेरी स्टीवर्ट. अब स्टूडेंट्स जो है वो थ्योरी के क्वेश्चंस में इतना बाइफरकेट नहीं करते, इस तरह ब्रेक नहीं करते कि थ्योरी में से किस किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस एरिया को हमने एड्रेस करना है. एक तो आप ये बात याद रखें कि कोई भी थ्योरी एग्जामिनर 100% नहीं पूछता पेपर में, उसके अंदर से क्वेश्चन निकालता है. मतलब अगर वेबर की थ्योरी के दो मेन पार्ट्स हैं, बल्कि तीन पार्ट्स हैं वेबर की थ्योरी में, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, वेबर की थ्योरी के अंदर टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज हैं, और वेबर की थ्योरी के अंदर उसकी क्रिटिक मौजूद है जो उसके ऊपर तनकीद की जाती है. इसी सो एग्जामिनर विल नेवर गिव यू अ क्वेश्चन ऑन द होल थ्योरी इन इटसेल्फ. एग्जामिनर कभी भी आपको पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं देगा. आ रही बात समझ में? तो उसके ऊपर एग्जामिनर आपसे पोर्शंस में क्वेश्चन करेगा. तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है टू रीड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन कि पूछा क्या जा रहा है. इसके दो फायदे हैं. एक तो ये कि आप अगर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे तो आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे जो उसने पूछा हुआ है. इट विल सेव यू टाइम, नंबर वन. और नंबर टू, अननेसेसरी डिटेल आप मतलब क्वेश्चन को मिस अटेम्प्ट नहीं कराएंगे. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन में यही किया था. जब एग्जामिनर ने ये सवाल किया था पेपर में, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया था इस टॉपिक के ऊपर. स्टूडेंट्स लिखा है ये चार पॉइंट्स एंड स्टूडेंट्स वर सिंपली यू नो गेव अवे 9 marks ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरह की गलती आपने नहीं करनी. आपने मेक श्योर करना है कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है आपने उसी को आंसर करना है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू आंसर एनी एक्स्ट्रा एनीथिंग एल्स. मतलब कुछ और आंसर नहीं कर रहे आप वही चीज उसे बता रहे हैं जिसने पूछी हुई है. ओके, सो रोजमेरी स्टीवर्ट के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस की चार वजूहत है. नंबर वन, ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब इदारे साइज में ग्रो करते हैं तो इदारों को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है. व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है.
ठीक है ना, जब इदारे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं साइज में, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है. सो जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर एफिशियंट, वी वॉन्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव, हम फिर उन्हें ब्यूरोक्रेसी पे ले आते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशियंटली परफॉर्म करती हैं, इदारे अपने ऑपरेशन में एफिशिएंसी को अचीव करने के काबिल हो जाते हैं. फिर स्टीवर्ट ने कहा कि जब एक इदारे का काम कॉम्प्लेक्स होता है तो उसे ब्यूरोक्रेसी की नीड पड़ती है, क्योंकि उसको फिर स्पेशलाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ती है, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अचीव स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडॉप्ट स्पेशलाइजेशन. तो चूंकि इदारों को स्पेशलाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ता है तो उन्हें ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है. इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, आपके नेबरहुड में घर के करीब आपके कॉर्नर शॉप है, छोटी सी ग्रोसरी की शॉप है जो रोजमर्रा की कमोडिटीज सेल करते हैं, ठीक है, एग्स, ब्रेड, फ्लावर, लेट्स से जो भी आपकी स्टेपल्स होती हैं, स्टेपल गुड्स जिन्हें कहते हैं, तो स्टेपल गुड्स जो होते हैं वो बेचते हैं. अब उसका उस शॉप का एक ओनर है और उस शॉप के अंदर माइट भी एक हेल्पर होगा, छोटा बच्चा कोई, और वो ओनर जो है वो खुद ही सेल्समैन है, ओनर जो है वो उस शॉप का मार्केटिंग मैनेजर भी खुद ही है, खुद ही सारे फाइनेंसिस मैनेज करता है, परचेजिंग भी खुद करता है, यू सी ही डज एवरीथिंग एट हिज ओन, वो सब कुछ अपने ओन पे खुद कर रहा है ना, लाइक वो जो उसका ओनर है ही इज डूइंग एवरीथिंग एट हिज ओन. नाउ जस्ट इमेजिन कि वो जो बिजनेस है, वो जो ग्रोसरी शॉप है, वो ग्रो करती है, और वो ग्रो करते 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 वो फॉर एग्जाम्पल हाइपर स्टार बन जाती है, इट बिकम्स हाइपर स्टार. अब डू यू थिंक कि हाइपर स्टार को भी उस एक वन मैन बिजनेस की तरह चला सकते हैं? डू यू थिंक चला सकते हैं? यस और नो? नो, ऑब्वियसली. हाइपर स्टार में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स चाहिए, परचेजिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, एचआर का, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा. तो जो जो इदारे में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क बढ़ती है उसके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस डिफाइन हो जाने चाहिए, जैसे कहते हैं टास्क स्पेशलाइजेशन. तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क मेक इट नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव टास्क स्पेशलाइजेशन, एंड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज टास्क स्पेशलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली उन्हें फिर ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू अ सॉल्यूशन, ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू टास्क स्पेशलाइजेशन. इसी तरह हमने बात की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर. जब इदारे साइंटिफिक मैनेजमेंट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू अचीव साइंटिफिक, फॉर दोज हु आर अराइविंग अभी साथ साथ आ रहे हैं, हमने कल स्टीवर्ट की थ्योरी पे यहाँ पे कंक्लूड किया था, वी कंक्लूडेड हियर, और हमने स्टीवर्ट के फीचर्स को डिस्कस किया. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड दिस इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टीवर्ट. और ये वाला क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, सितंबर 2016 में एग्जामिनर ने इसके ऊपर क्वेश्चन पुट किया था. एग्जामिनर हैज पुट अ क्वेश्चन इन सितंबर 2016. एग्जामिनर ने कहा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी की ग्रोथ की रीजन बनते हैं. तो चार फैक्टर्स हैं. नंबर वन, द ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो जो इदारा ग्रो करता है उसे एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एफिशिएंसी को अचीव कर देती है. जो जो इदारे में ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है कि एक इदारे के अंदर जो फंक्शन है वो स्पेशलाइज हो रहे हैं. इसकी एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे कोट की है कि आपके नेबरहुड में अगर कोई कॉर्नर शॉप है, कोई ग्रॉसरी शॉप है, उस कॉर्नर शॉप या ग्रॉसरी शॉप के जो ऑपरेशन है वो सिंपल ऑपरेशन है, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो एक ही इंडिविजुअल उन सब ऑपरेशन को मैनेज कर सकता है. बट अगर वही ग्रोसरी शॉप अगर बड़ी होते 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 इतनी बड़ी हो जाए कि वो हाइपर स्टार बन जाए या वो मेट्रो बन जाए या अल्फते बन जाए, तो ऐसे बिजनेसेस को अब आप एक वन मैन शो के तौर पे एक इंडिविजुअल इनको ऑपरेट नहीं कर सकता, अब आपको स्पेशलाइज्ड फंक्शंस चाहिए उनको चलाने के लिए. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है ये कहती है कि हमने रैशनल वे अडॉप्ट करना है कामों को ऑर्गेनाइज करने का. रैशनल से क्या मुराद है? वन बेस्ट वे. रिमेंबर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग. साइंटिफिक मैनेजमेंट के मुताबिक अगर हमें रैशनल वे चाहिए कामों को अचीव करने का, हमें फॉर्मल प्रोसीजर्स चाहिए टास्क कंप्लीट करने के, सो डेफिनेटली वी हैव टू अडॉप्ट ब्यूरोक्रेसी, हमें फिर ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. ओके, एंड देन वी हैव डिमांड फॉर इक्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. हमें जब हम चाहते हैं कि हम वर्क प्लेस के ऊपर इक्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करें, हम एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करें, तो ब्यूरोक्रेसी इसका भी हल देती है आपको. ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट टू. कैसे? इक्विटी के थ्रू.
कैसे, इम्पार्शियलिटी और इम्पर्सनैलिटी के थ्रू। तो इम्पार्शियलिटी और इम्पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करके भी आप एक इस गोल को पूरा कर सकते हैं, आप इक्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्क प्लेस एंड दीज आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दीज आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, and this question has already appeared. ये 4 points पे 9 marks का question आया था paper में, और straight forward ये debate आपने करनी थी। यहाँ पे हमारी classical theories की बहस खत्म हो जाती है, like यहाँ पे हम इंसान को machine समझने के process से बाहर निकल आते हैं। So far we have concluded the debate of scientific management, जो कि mainly ये कहती है कि इंसान एक machine है और machine को machine की तरह ही चलाया जाता है। It talks about कि machine को machine की तरह ही आप चला सकते हैं। You can only treat the individual like a machine so that you can make them more efficient. इस concept को Elton Mayo ने negate किया था एक हादसाती तौर पे। Elton Mayo human relation movements का founder माना जाता है। Elton Mayo is known as founder of human relations movement. यानी Elton Mayo दुनिया का वो पहला बंदा था जिसने ये कहा था कि workplace के ऊपर behaviors भी important है। जो हमने मॉडर्न मैनेजमेंट की बात की थी, फिर रिमेंबर हमने कहा था कि दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है ना मैनेजमेंट के, क्लासिकल और मॉडर्न। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हर काम को करने का एक बेस्ट वे है, बिहेवियर कुछ नहीं होते, इंसान एक मशीन है, उस मशीन से आप मशीन की तरह काम करवाएं, उन्हें रिवॉर्ड करें, उन्हें पैसे दें और आपको वो बेस्ट आउटपुट निकाल के देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके निगेट कर दिया Elton Mayo ने, लेकिन अल्टीमेटली Elton Mayo जो है करने ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट ही किया था, ये भी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग निकालने गया था। लाइक Elton Mayo मशहूर है, इसका जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था, Elton Mayo ने 5 साल की एक स्टडी की थी 1927 से 1932 के दरमियान। इस स्टडी को, ये बड़ी मशहूर स्टडी है, इसे हम हॉथॉर्न स्टडीज कहते हैं। इस स्टडी को हम नाम देते हैं हॉथॉर्न स्टडीज का। हॉथॉर्न जो है ये एक वर्क साइट का नाम है जहाँ पे अमेरिका की एक स्टेट है इलिनॉय। इलिनॉय जो है ये अमेरिकन स्टेट है। अमेरिकन स्टेट में यहाँ पे टेलीफोन इक्विपमेंट्स बनते थे। नया नया टेलीफोन इजाद किया था, किसने किया था? ग्राहम बेल ने। तो ग्राहम बेल ने नया नया टेलीफोन इजाद जब किया तो यहाँ पे टेलीफोन इक्विपमेंट्स बनते थे इन इलिनॉय अमेरिका। ठीक है, और ये हॉथॉर्न वर्क्स जो है ये वर्क साइट थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वर अ टेलीफोन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, टेलीफोन सेट्स बनाया करते थे। अच्छा, हॉथॉर्न स्टडीज के अंदर हॉथॉर्न वर्क्स के ऊपर Elton Mayo क्या करने गया था, ये एक एक्सपेरिमेंट करने गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इवेंट टू कंडक्ट अ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट, ये स्टडी ये करने गया था कि एम्प्लॉयज की जो वर्क एनवायरमेंट होती है जिसमें लाइटिंग है, हीटिंग है, टेम्परेचर है, वर्क ब्रेक्स हैं, तो जो वर्क एनवायरमेंट होती है एम्प्लॉयज की उसका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे क्या होता है। Like he went to study that what is the impact of the work environment of the employee on their performance, and it was a purely scientific management study. ये बड़ी pure scientific, यानी उसने भी क्या करना था, experimentation करनी थी और उसने ये निकालना था कि जी देखें ये combination best है, इतनी light जलाएं, इतनी heating करें, इतना temperature करें, इतने घंटों की break दें, जो टेलर ने काम किया था, इतनी लेंथ का शॉवल यूज करें, इतना कोयला निकालें, रिमेंबर दैट। तो वो सेम फिनोमेना जो है वो इसने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। ठीक है, सो एक्चुअली ही वेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन चेंजेस इन द वर्किंग कंडीशंस, जैसे लाइटिंग, रेस्ट पीरियड्स, लेंथ ऑफ द वर्किंग डेज, इंसेंटिव्स, ये तमाम चीजें। 6 इंडिविजुअल्स को चूज किया था इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए और उन इंडिविजुअल्स की वर्किंग कंडीशंस को वेरी करवाया गया ओवर द कोर्स ऑफ टाइम टू स्टडी दैट हाउ देयर रिस्पांस चेंजेस। आपको असल एक्सपेरिमेंट का पता लग गया कि क्या था एक्सपेरिमेंट, प्योर साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडी थी। ठीक है, सो द ओरिजिनल एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टू स्टडी दैट हाउ द वर्किंग कंडीशंस विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, और 6 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और उन 6 लोगों को फिर डिफरेंट किस्म की वर्क एनवायरनमेंट देके, डिफरेंट किस्म की उनको एनवायरनमेंट से मुतारिफ करवा के फिर ये स्टडी करने की कोशिश की कि उनके बिहेवियर्स पे, उनके वर्क पैटर्न्स पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट्स वर वेरी अनएक्सपेक्टेड, रिजल्ट्स बड़े अनएक्सपेक्टेड थे।
कि पहले उनकी जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको चेंज किया गया, ठीक है, और उनकी जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको खराब किया गया। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इवन दो कि आप उनकी वर्क एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्टर वर्क ब्रेक दे रहे हैं, लॉन्गर वर्किंग आवर्स आप उनसे ले रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फिर भी ग्रो करती गई। लाइक असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि जब आप उनकी वर्क एनवायरनमेंट को एडवर्स करें या खराब करें तो उनकी आउटपुट कम होनी चाहिए थी ना। लेकिन आइडियली हो क्या रहा है कि आप उनकी वर्क एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं, उन्हें रेस्ट ब्रेक्स कम दे रहे हैं, उनकी सैलरी भी कम कर दी आपने, फॉर एग्जाम्पल लॉन्गर वर्किंग आवर्स दे दिए उनको आपने। लाइक यू आर ट्राइंग टू इंटरमिंगल विद एवरी वे यू कैन विद देयर वर्क एनवायरनमेंट, आप उनकी वर्क एनवायरनमेंट के साथ हर तरह से इंटरमिंगल कर रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि उनकी परफॉर्मेंस कम हो, उनकी परफॉर्मेंस बढ़नी शुरू हो गई, ग्रो करने लगी। जब एल्टन मायो ने स्टडी किया कि वाई देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, क्यों बढ़ी उनकी प्रोडक्टिविटी, तो उसने कहा कि कुछ वजूहात सामने आई, एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ही टॉक्ड अबाउट वाज मोटिवेशन। वो लोग जो थे वो कमिटेड थे एक्सपेरिमेंट के साथ, लाइक दोस पीपल न्यू दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व एंड दे आर कमिटेड विद द एक्सपेरिमेंट। सो जब आपकी कमिटमेंट बढ़ती है किसी काम के साथ, इसका मतलब ये है कि जब आपकी कमिटमेंट बढ़ती है किसी काम के साथ तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस जीरो हो जाती है। आप अगर अपने काम के साथ कमिटेड है ना तो कम सैलरी में भी आप काम करेंगे, आप अगर अपने काम के साथ कमिटेड हैं तो आप पुअर वर्किंग कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। द ओनली थिंग, और कमिटमेंट ह्यूमंस की होती है, कमिटमेंट एक बिहेवियरल फेनोमेना है, ह्यूमंस की भी होती है, खैर एनिमल्स की भी होती है, लेकिन एक बिहेवियर का एलिमेंट है। कमिटमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियर, दैट इज नॉट समथिंग साइंटिफिक मैकेनिज्म, ये बिहेवियर है कमिटमेंट जो होती है। तो बेसिकली ये स्टडी किया गया कि जब वर्क एनवायरमेंट को एडवर्स कर दिया गया तो चूंकि वो छह लोग जो हैं उन्होंने कमिटमेंट हाई कर दी अपनी, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, उनके रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग हो गए। लेकिन ना छह लोग ओवर द टाइम बार 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 एक ही काम कर रहे हैं तो आपस में उनके जो रिलेशनशिप्स हैं बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब हम जब पहली क्लास में मिले थे तो हमारा जो रिलेशनशिप लेवल था वो और था, बाय द टाइम जब हम सब्जेक्ट एंड कर रहे होंगे तो हमारा रिलेशनशिप लेवल एंटायरली चेंज हो चुका होगा। आई हैड बीन नोइंग यू पीपल मोर प्रिसाइजली, मैं आपको ज्यादा जानने लग जाऊंगा, आप मुझे ज्यादा पहचानने लग जाएंगे, तो हमारा जो एक लेवल है रिलेशनशिप का दैट वुड एंटायरली चेंज। ऐसा ही होता है ना कि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम, लाइक यू मेक फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल, जब आप दोस्तियां करते हैं, यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक थोड़ी सी झिझक होती है, हिंड्रेंस होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्वमेंट में उस वाली की बात नहीं कर रहा जो आपके जहन में आ रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेरिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो when you get involved with someone, ठीक है, when you start talking to someone, तो automatically जो आपका relation है वो build होता है, ठीक है, and that build up of the relationship will make you at ease. तो और फिर again जो relation है वो behavior का हिस्सा है। तो मायो ने basically ये दो points निकाले। मायो ने कहा कि चूंकि लोगों की experiment में commitment high हो गई, और चूंकि लोगों ने अपने जो relationships हैं team के और management के especially वो strong हो गए, मायो ने इस particular point को आगे debate किया कि ये team बन गई basically, कि पीपल डेवलप सोशल रिलेशनशिप्स विद ईच अदर, ठीक है, सो दैट वाई दे रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली बिकॉज दे वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रीली टू द एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी कोअर्जन फ्रॉम द मैनेजमेंट, बगैर किसी डांट डपट के, बगैर किसी कोअर्जन के, चूंकि वो फ्रीली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में, सो ओइंग टू दैट रीजन उनकी जो कमिटमेंट है वो बढ़ गई, उनका जो काम करने का अंदाज है वो इम्प्रूव हो गया। एल्टन मायो की थियरी का जो क्रक्स है वो ये है, एल्टन मायो एक्चुअली कंक्लूडेड These arguments from the theory, ये निकाला एल्टन मायो ने थियरी में से, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एल्टन मायो ने कहा कि सबसे पहले हर काम की एक सोशल वैल्यू होती है, ये सोशल वैल्यू जो होती है ये आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करती है। सोशल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो काम जो है वो कितना ज्यादा एक्नॉलेज्ड है सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल। मतलब मायो ने डिसएग्री किया टेलर के पॉइंट से कि पीपल ओनली वर्क फॉर सेल्फ मोटिवेशन, people also work for social value of work. मतलब for example, एक individual जो है वो कम salary पे काम करने को तैयार है क्योंकि वहाँ पे social value of work ज्यादा है। तो हर काम की ना एक social value होती है। वो social value जो है, आपको अगर 2 लाख रुपए दिए जाएं salary और कहा जाए कि आप पिज्जा हट में बेटर की जॉब करें तो शायद initially तो आप tempt हो जाएं, initially तो आप थोड़ा सा motivate हो जाएं, but after some time you might not be very much committed कि नहीं यार ये कोई काम है करने वाला, क्योंकि उस काम की social value zero है। आ रही बात समझ?
तो सोशल वैल्यू जो है ये आपके एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करती है, नंबर वन. फिर एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ एस्टीम का, आप सेल्फ एस्टीम को प्रिजर्व करें लोगों की. सेल्फ एस्टीम को हम उर्दू में कहते हैं इज्जत नफ्स, ठीक है. सेल्फ एस्टीम का जो कॉन्सेप्ट है, तो हॉथॉर्न स्टडीज में क्या हुआ था कि चूंकि आपने उन छह लोगों को चूज किया तो उन लोगों ने समझा कि हम इंपॉर्टेंट हैं, वी आर इंपॉर्टेंट. जब आप किसी को उसकी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, फिर वो बंदा आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है, ठीक है ना. व्हेन यू गिव अ पर्सन सम रिस्पेक्ट, व्हेन यू गिव अ पर्सन दैट फील कि आप उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए कंसर्न्ड हैं, कमिटेड हैं, आपको ख्याल है, तो वो बंदा फिर ऑटोमेटिकली मेहनत से काम करता है और लगन से काम करता है आपके लिए, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने किस तरह से उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव करनी है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना है, ठीक है. सो सेल्फ एस्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरा पॉइंट वो कहता है कि वर्क सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन जो है ये पैसों से ज्यादा एग्जिस्ट करती है किस चीज में, सेंस ऑफ बिलोंगिंग में, ठीक है, रादर देन मनी एंड रिवॉर्ड्स. सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपको किस हद तक लोग जो है वो अपना समझते हैं, आपको किस हद तक लोग जो है वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो कितनी ज्यादा है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है. आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग डिटरमिन करती है कि आप किसी के लिए कितना अच्छा या कितने दिलजान से आप काम करेंगे. सो अगर आप किसी की सेंस ऑफ बिलोंगिंग को चैलेंज करें, या अगर आप किसी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना पैदा करें, इसलिए आगे जाके हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर पूरा टीम बिल्डिंग पे आएगा. टीम बिल्डिंग में सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा की जाती है, कमिटमेंट पैदा की जाती है. और चौथा पॉइंट दिया था इसने, एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट हियर, मोटिवेशन. मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोग भी देख लिया कि मोटिवेशन बढ़ गई उनकी कमिटमेंट की काम के अंदर. तो मोटिवेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप लोगों को मोटिवेट नहीं करते, जब तक आप उनके साथ काम पे कम्युनिकेट नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव नहीं करते, आप, क्योंकि जो अर्ली थ्योरीज थी, जो क्लासिकल थ्योरीज थी, उन सारी थ्योरीज का फोकस कॉन्स्टेंटली रहा था कॉस्ट कटिंग के ऊपर, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है. सो मैनेजमेंट शुड डेवलप एंड अप्लाई पीपल स्किल्स, दे शुड अप्लाई पीपल स्किल्स, दे शुड फोकस ऑन पीपल स्किल्स, ठीक है. सो दे हैव टू मेक श्योर कि आप किस तरह से पीपल स्किल्स को डिप्लॉय करते हैं, किस तरह से आपने लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है. तो ये चार इंपॉर्टेंट ये पोस्टुलेट्स हैं मायो की थ्योरी के. मायो की थ्योरी इन पॉइंट्स पे बेस करती है, सोशल वैल्यू ऑफ वर्क नंबर वन, सेल्फ एस्टीम ऑफ वर्कर्स नंबर टू, वर्क सेटिस्फेक्शन लाइज इन सेल्फ बिलोंगिंग रादर देन रिवॉर्ड्स नंबर थ्री, एंड नंबर फोर मोटिवेशन. तो मायो ने बेसिकली क्लासिकल थ्योरीज के साथ डिसएग्री किया था. मायो ने यही कहा था, हालांकि मायो बड़ा शरारती निकला, करने ये भी क्लासिकल मैनेजमेंट ही गया था, क्लासिकल साइंटिफिक मैनेजमेंट करने गया था, लेकिन बड़ी इसने शरारत से फिर इसने जब रिजल्ट्स चेंज हुए तो इसने कहा ओहो ये तो एक नई राह मिल गई दुनिया को, ये तो एक नया होराइजन खुल गया दुनिया के लिए, ये तो एक नया आप समझ लें वो एक नॉलेज एरिया एक्सप्लोर हो गया. तो इसने फिर उसी वक्त इसने फिर कहा कि नहीं, क्लासिकल थेरीज जो हैं उनकी मेजर वीकनेस क्या थी, लैक ऑफ अटेंशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. देखा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना ये शरारती बंदा था कि काम ये भी खुद वही करने गया था कि ह्यूमन रिलेशनशिप को साइड पे करके ही वेंट एट कंप्लीटली टू डिप्लॉय साइंटिफिक मैनेजमेंट. लेकिन जब इसने देखा कि नहीं, वर्क प्लेस इंपॉर्टेंस, वर्क प्लेस यू नो बिहेवियर्स रिलेशनशिप्स, तो इसने कहा कि जी साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आज तक होती रही है वो तो वैसी सारी पुअर है, तो ऐसी सारी खराब है, असल काम तो ये है जो मैंने किया है ह्यूमन रिलेशंस व्यू का, ठीक है. तो इसने फिर यहाँ से कहा कि मैनेजर्स को चाहिए कि वो इन्वॉल्व हों वर्कर्स के साथ, उनकी रिस्पेक्ट को गेन करें, उन्हें मोटिवेट करें. तो आप गौर फरमाएं तो ये सारे के सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे बिहेवियर्स के पॉइंट्स, ठीक है. तो और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि वाकई इंसान मशीन नहीं है, ठीक है. आप कुछ प्रोसेसेस में मैकेनिस्टिक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर आप एम्प्लॉई से एक रूटीन वर्किंग के प्रोसेस में मशीनी काम करवा सकते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि उसे आप मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे, उसको आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं देंगे, उसको आप एफिलिएशन नहीं देंगे. तो बिहेवियर्स जो हैं ये सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हैं, और बिहेवियर्स को बिल्ड करना, डेवलप करना, बिहेवियर्स को एस्टैब्लिश करना, ये हर मैनेजर का काम है. तो आप भी आने वाले कल के मैनेजर हैं इंशाल्लाह, तो आपने भी इन तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये इंश्योर करना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आप काम भी करवाएंगे, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी इंड्यूस करेंगे, और उसके साथ साथ आप ये कुछ भी करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप उसमें प्रैक्टिकली
अप्लाई करेंगे. ठीक है जी, दैट इज व्हाट मायो टॉक्ड अबाउट. दैट इज सो ये देखें, ये लिखा हुआ, ही वाज द फर्स्ट मैनेजमेंट थियरिस्ट. किस्मत ऐसे भी खुलती होती है. मायो ने हॉथॉर्न स्टडीज की होती, साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया होता, आज कौन जानता मायो को. दुनिया उसी को जानती है जो ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशन, एक आप समझ लें रेवोल्यूशन लेके आता है. तो अगर आप ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशन लाएंगे, नो वन रिमेंबर्स सेकेंड और एवरीबॉडी रिमेंबर्स द फर्स्ट वन. ठीक है, आपको ये कभी नहीं याद रहेगा कि कंट्रोवर्सी ही सही, लेकिन आपको ये कभी नहीं याद रहेगा कि चांद पे दूसरा या तीसरा कदम किसने रखा था. चांद पे पहला कदम आर्मस्ट्रांग ने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने, ये याद रहेगा. तो याद वही रहते हैं जो ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशन लेके आते हैं, चेंज लेके आते हैं, रिमेंबर दैट. तो मायो भी कहीं खो चुका होता तारीख के पन्नों में, कहीं खो चुका होता हिस्ट्री की बुक्स में, अगर मायो की किस्मत ना अच्छी होती और मायो से ये ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशन ना निकल आता. तो मायो ने इसलिए इसको हम एज अ फर्स्ट इंडिविजुअल मानते हैं दुनिया में, कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग पे दुनिया की तवज्जो को मरकूज करवाया था. दुनिया की जो तवज्जो है आज से तकरीबन 100 साल पहले ऑलमोस्ट, ठीक है, 100 ईयर्स बैक. तो 100 ईयर्स बैक मायो ने दुनिया की तवज्जो को सोशल वैल्यू की तरफ और सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क की तरफ मरकूज करवाया था. इसके बाद बस एक क्विक समरी है क्लासिकल थ्योरीज की, ये आप पढ़ सकते हैं. इसमें सारी थ्योरीज को एक नटशेल में ब्रीफ कर रहा है आपके सामने. ओवरऑल क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज में भी सवाल आ सकता है पेपर में. इनफैक्ट मार्च 2017 में एग्जामिनर ने किसी एक थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि एग्जामिनर ने एक ओवरऑल क्वेश्चन कर लिया कि जी जनरली बताएं क्लासिकल थ्योरीज का और मॉडर्न थ्योरीज का डिफरेंस क्या है. एग्जामिनर डिडंट आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन एनी ऑफ द थ्योरीज, रादर एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्डली पुट अ क्वेश्चन कि क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज को ब्रॉडली डिफरेंशिएट करें. तो फिर आपका फोकस इस पैराग्राफ पे होना चाहिए था. मार्च 2017 का पेपर बीएमबीएस का अब तक का टफेस्ट पेपर रहा है विद अ पासिंग परसेंटेज ऑफ ओनली 22%. आई रियली प्रे टू अल्लाह के वैसा पेपर दोबारा ना आए. वाकई बड़ा खतरनाक पेपर था, बड़ा डिजास्ट्रस पेपर था. काफी सारे क्वेश्चन उसमें बड़े वो थे, कंफ्यूजिंग थे. स्टूडेंट्स डिडंट गेट के करना क्या है सवाल में पूछा क्या जा रहा है. ठीक, एनी हाउ, सो क्लासिकल थ्योरीज के अंदर हमने समराइज किया, पहले हमने डिस्कस किया कि क्लासिकल थ्योरीज कहती हैं कि जी देयर इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ये कॉन्सेप्ट दिया था फियोल ने कि जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, हर किस्म के इदारे पे अप्लाई होते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट बिलीव करती है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्क के ऊपर, स्टडी ऑफ वर्क एंड वर्क मेथड्स पे, एंड देन गेटिंग द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग सो दैट यू कैन इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी. फियोल ने आर्ग्यू किया कि सारे मैनेजर्स के रोल सिमिलर होते हैं, नो मैटर व्हाट टाइप और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और उसने कहा कि देर आर सम जीएमपीज, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट, और ये जीएमपीज जो है ये हर किस्म के इदारे में अप्लाई होते हैं. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल, वन साइज फिट्स ऑल. हालांकि ऐसा नहीं होता ना, वन साइज नेवर फिट्स ऑल. हर किसी को एक ही साइज की शर्ट नहीं आती, डिपेंड करता है आपकी बिल्ड के ऊपर, आपके वेट के ऊपर, आपकी हाइट के ऊपर, डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस करता है ना कि आपको किस किस्म की शर्ट फिट आएगी. तो वन साइज नेवर फिट्स ऑल, रिमेंबर दैट. जबकि क्लासिकल थ्योरीज कहती थी चूंकि इंसान मशीन है, इंसान एक मशीन की तरह काम करता है, मैकेनिस्टिकली काम करता है, तो वन साइज माइट फिट ऑल. फिर उसके बाद मायो आया, फिर उसके बाद वेबर आया. वेबर ने ब्यूरोक्रेसी आइडेंटिफाई की, करेक्टरिस्टिक्स दिए ब्यूरोक्रेसी के. फिर उसके बाद मायो आया, मायो ने सिग्निफिकेंस बयान की ह्यूमन रिलेशंस की, और मायो की जो थ्योरी है दैट सपोर्ट्स और दैट प्रोवाइड्स द रोल ऑफ अ ब्रिज. मायो की थ्योरी को हम लिंकिंग थ्योरी या ब्रिजिंग थ्योरी भी कहते हैं. मायो ब्रिज करता है किसको, क्लासिकल मैनेजमेंट को मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ. ठीक है, सो मॉडर्न मैनेजमेंट राइटर्स जो हैं, इन्होंने यूनिवर्सल रूल्स पे क्वेश्चनिंग की. इन्होंने कहा कि क्या वाकई गुड मैनेजमेंट के नाम की कोई चिड़िया एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती. क्या वाकई देयर इज सम गुड मैनेजमेंट जिसे आप इदारे को मैनेज कर सके, ऐसा होता भी है, इज इट रियली पॉसिबल. इस क्वेश्चन को जो है वो रेज किया और कंस्ट्रक्ट किया और बिल्ड किया इसने मॉडर्न थ्योरीज. ओके, सो मॉडर्न थ्योरीज जो है इसके बाद आते, तो अभी तक हमने 6 थ्योरीज पढ़ ली हैं. 5 थ्योरीज प्योर क्लासिकल हैं. इफ आई आस्क यू टू नेम देम वन बाय वन, द फर्स्ट वन इज टेलर, द सेकंड वन इज सॉरी
Second one, Shayal, Shabash. Third one, Arvik. And the fourth one and the fifth one, chauthi aur panchi dono bureaucracy ko explain karti hain. जिसमें से एक थ्योरी लीडिंग है वेबर की और पांचवी थ्योरी है रोजमेरी स्टीवर्ट की. शाबाश. और एंड पे है मायो जो कि ब्रिज करती है. इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. आज एक्चुअली मैं स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहा, मैं क्लास ले रहा हूँ अपने ऑफिस से. मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी रह गई है, अनफॉर्चुनेटली चार्जर भी नहीं है मेरे पास. जब तक लैपटॉप चलेगा तब तक क्लास चलेगी. ठीक है, जब तक लैपटॉप की बैटरी चलेगी तब तक क्लास चलेगी. ओके, सो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है. मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में भी पांच बड़े मशहूर नाम है. पीटर ड्रकर, टेस्ट हो चुका पेपर में. मॉस कैंटर, सवाल आ चुका पेपर में. हेनरी मिंट्सबर्ग, सवाल आ चुका पेपर में. अउची, सवाल आ चुका पेपर में. मैकग्रेगर एक्स एंड वाई, सवाल आ चुका पेपर में. तो अगर इन कंपैरिजन किया देखा जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मॉडर्न थ्योरीज ज्यादा टेस्ट हुई है पेपर में एज कम्पेयर टू क्लासिकल थ्योरीज. आइडियली टेस्ट तो वैसे बराबर ही हुई है क्योंकि क्लासिकल थ्योरीज में एग्जामिनर ने एक थ्योरी को बार बार टेस्ट भी किया है. जैसे वेबर को बार बार टेस्ट किया, तीन दफा तो सवाल आया वेबर के ऊपर, जबकि ये सारी थ्योरीज एक एक दफा आई है पेपर में, नॉट मोर देन वंस. ड्रकर एक दफा आ चुकी है, मॉस्केंटर एक दफा आ चुकी है. तो अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है क्लासिकल में से और मॉडर्न में से तो फ्रीक्वेंसी बराबर है, लेकिन अगर थ्योरी के कंटेंट को कंपेयर करना है तो थ्योरी के कंटेंट्स में मॉडर्न थ्योरीज आर टेस्टेड मोर एज कम्पेयर टू द क्लासिकल वंस. मॉडर्न थ्योरीज को ज्यादा डिटेल में टेस्ट किया गया है क्लासिकल के निस्बत. ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज में सबसे जो पहला नाम है वो है हमारे पास पीटर ड्रकर का. पीटर ड्रकर इनफैक्ट पाकिस्तान भी आया था, 2005 में इसका इंतकाल हुआ. पीटर ड्रकर जो है ही आल्सो विजिटेड पाकिस्तान वंस. इसने लाहौर पीसी में एक लेक्चर भी दिया था इन अर्ली 2000s. ठीक है, एंड आई गॉट अ चांस टू अटेंड दैट लेक्चर टू. सो ही वाज अ वंडरफुल पर्सन, ही वाज अ ग्रेट पर्सन. पीटर ड्रकर ने दुनिया को क्या कॉन्सेप्ट दिया एंड व्हाट दैट कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट. इसने कहा कि मैनेजमेंट की कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं होती. पीटर ड्रकर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्योल से डिसएग्री किया. इसने फ्योल के कॉन्सेप्ट को थ्रैश कर दिया. इसने कहा फ्योल बकवास करता है, फारिग है फ्योल, कुछ नहीं कहता फ्योल. इनफैक्ट पीटर ड्रकर जो है, यहाँ अगर आप ये इसका पहले पढ़ लें पैराग्राफ, पीटर ड्रकर सिंपली डिसएग्रीड विद फ्योल. इसने कहा कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के इदारों को चलाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. कमर्शियल बिजनेस को चलाने का तरीका और होगा, मैन्युफैक्चरिंग को चलाने का तरीका और होगा, सर्विसेज को चलाने का तरीका डिफरेंट होगा. ठीक है, बिजनेस मैनेजर्स की भी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं. बिजनेस मैनेजर्स की सबकी जिम्मेदारियां सेम नहीं होती. सो ड्रकर एंड ड्रकर वाज क्वाइट राइट अबाउट इट. ड्रकर इसके बारे में बिल्कुल सही था. ड्रकर की थ्योरी के भी दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है ड्रकर की थ्योरी का कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्रकर इज कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट. ड्रकर की जो थ्योरी है उसका जो पहला हिस्सा है वो बात करता है मैनेजमेंट की कैटेगरीज के ऊपर. दिस इज मोर और लेस कंपेरेबल टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल. मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट है जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देता है हेनरी फ्योल, तकरीबन उसी की नोट्स पे है. वो कहता है प्लानिंग, ये कहते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर प्लान बनाते हैं कि उनको अचीव कैसे करना है. सेम कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया फ्योल की प्लानिंग के अंदर. फ्योल कहता है ऑर्गेनाइजिंग. ड्रकर भी कहता है ऑर्गेनाइजिंग, काम को ऑर्गेनाइज करना है, कौन क्या काम करेगा, एक्टिविटीज को डिवाइड करना है आपने लोगों के दरमियान, फॉर्मल स्ट्रक्चर आपने बनाना है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड, ये तमाम चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं. दिस इज वेयर ड्रकर सपोर्टेड मायो, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. ड्रकर ने मायो वाले फिनोमेना को आगे कैरी किया और ड्रकर ने कहा मोटिवेशन भी मैनेजमेंट का पिलर है, विच वॉज डेफिनेटली नॉट डिस्कस्ड इन क्लासिकल थ्योरीज. ठीक है, सो ड्रकर ने इस कॉन्सेप्ट को, इस थॉट को आगे कैरी किया कि पिलर है मैनेजमेंट का मोटिवेशन. मैनेजर्स को मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को, उनके साथ ओपनली कम्युनिकेट करना है ताकि अपना काम सही करें. उसने कहा कंट्रोलिंग, ये कहता है मेजरिंग, सेम कॉन्सेप्ट है, परफॉर्मेंस को मेजर करना, बेंचमार्क, यार्डस्टिक. यार्डस्टिक कहते हैं टारगेट को, टारगेट सेट करना, यार्डस्टिक. यू कांट मेजर विदाउट अ यार्डस्टिक ना. आप मेजर करने के लिए आपको एक यार्डस्टिक चाहिए. आप हीट को मेजर करते हैं
किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर, डिग्री इज द यार्ड स्टिक टू मैयर हीट, यार्ड स्टिक एक मैयर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हाइट को मैयर करते हैं ऑन अ यार्ड स्टिक ऑफ फीट और मीटर और सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। अब वेट को मैयर करते हैं ऑन अ यार्ड स्टिक ऑफ किलोग्राम केजी। हाँ, बेंचमार्क कहते हैं स्टैंडर्ड को। देखें फॉर एग्जाम्पल सेल्स की यार्डस्टिक क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये कि कितने बेचे, और इसका बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क फॉर एग्जाम्पल आपका जो कंपेटिटर है वो कितने यूनिट्स बेच रहा है, ये आपका बेंचमार्क है। या आपने पिछले साल कितने यूनिट्स बेचे थे वो आपका बेंचमार्क है। हाउ मच डिड यू सेल लास्ट ईयर, दैट माइट बी योर बेंचमार्क। हाउ आर यू गोइंग टू सेल दिस ईयर। तो बेंचमार्क्स जो होते हैं आपके, वो आपके टारगेट्स, आपके परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं। तो यार्डस्टिक पहले डिफाइन करेंगे, उस यार्डस्टिक के अगेंस्ट फिर आप एक बेंचमार्क के अगेंस्ट अपनी टारगेट को मेजर करेंगे। सारा प्रोसेस कंट्रोलिंग का है। फिर रिमेंबर हमने पढ़ा था कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को की मॉनिटरिंग करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और आप उसके साथ साथ परफॉर्मेंस को जस्टिफाई भी करते हैं, अचीव भी करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ड्रकर ने दिया, जो पहले किसी ने नहीं दिया, दैट वॉज डेवलपिंग पीपल। ड्रकर सेड दैट पीपल शुड बी डेवलप्ड। लोगों को आप डेवलप करते हैं, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करते हैं, ठीक है। ब्रिंग आउट व्हाट इज इन देयर और व्हाट ही स्टाइफल्स देम। स्टाइफल का मतलब होता है किसी को बद्दल कर देना, किसी को काम से पुट ऑफ कर देना। कहते हैं ये मैनेजर ही होता है जो लोगों को डेवलप करता है, ये मैनेजर ही होता है जो एम्प्लॉइज का बेस्ट आउटपुट निकालता है अपने बिहेवियर से। अपनी किताब में लिखते हैं ड्रकर कि दिस इज व्हाट अ मैनेजर, ही ब्रिंग्स आउट व्हाट इज इन देयर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के अंदर बेस्ट पोटेंशियल क्या है ये भी मैनेजर बाहर निकालता है, और ही स्टाइफल्स देम या उनको स्टाइफल कर देता है, उनको बद्दल कर देता है, उनको जॉब से बिल्कुल नाराज कर देता है। ही स्ट्रेंथन्स देयर इंटेग्रिटी और ही करप्ट्स देम। दोनों काम मैनेजर के हाथ में होते हैं, चाहे तो अपने वर्कर की इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन कर दे, उसे इम्प्रूव कर दे, उसको बेहतर कर दे, या चाहे तो उनको करप्ट कर दे, उनको बदतमीज बना दे, उनको किसी काम का ना छोड़े। तो पीपल डेवलपमेंट जो है, हाँ, डीमोरलाइज, एग्जैक्टली, यस, यू कैन से असलम डीमोरलाइज। लेकिन डीमोरलाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मैकेनिज्म के ऊपर आ जाता है, मैकेनिस्टिक हो जाता है, कि बोर हो जाना। डीमोरलाइज बोरियत में आता है, कि मतलब एक काम कर करके ना आपका उसमें दिल नहीं लग रहा, ठीक है। स्टाइफल का मतलब होता है कि किसी की वजह से आप पुट ऑफ हो गए, लाइक किसी ने आपसे कोई बात ऐसी कर दी कि आपने कहा अच्छा अब तो मैंने काम नहीं करना। तो यस, मतलब वर्ड की अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है इसके अंदर, यस यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये ड्रकर के, और ये सवाल आ चुका है पेपर में, दिस वाज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ड्रकर की कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है, 5 क्वेश्चन वर्थ आई गेस 5 मार्क्स और 6 मार्क्स हो सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ड्रकर के ऊपर, उसकी मैनेजमेंट की कैटेगरीज पे, ठीक है। सो ड्रकर ने कहा था कि मैनेजमेंट वर्क प्लेस के ऊपर क्या करते हैं, मैनेजमेंट की, मैनेजर्स की ओवरऑल वर्किंग क्या होती है। ड्रकर एक्चुअली डिसएग्रीड विद फियोल, अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि सारे के सारे मैनेजर्स जो हैं वो एक ही किस्म का काम नहीं करते वर्क प्लेस के ऊपर। देयर आर डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज एंड डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं। सो ड्रकर ने यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 3 एस्पेक्ट्स होते हैं मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। ये वाला सवाल अभी नहीं आया पेपर में, आ सकता है, दिस क्वेश्चन माइट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं, लाइक मैनेजर्स को आप किस किस किस्म का काम सौंप सकते हैं, या मैनेजर्स किस किस किस्म का काम करते हैं। तो जो हमने हायरार्की पढ़ी थी, चेन ऑफ कमांड पढ़ी थी, मैनेजर्स मैनेज द बिजनेस, मैनेजर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट है, जैसे सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को देखना, इनोवेशन देखना, बिजनेस की डिसीजंस को देखना। फॉर एग्जांपल ड्रकर कहता है कि बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर का, कस्टमर कम्स फर्स्ट। इनफैक्ट ड्रकर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कस्टमर्स को जस्टिफाई किया था, या कस्टमर्स को सपोर्ट किया था, कि कस्टमर की नीड्स को मीट करना कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर कहते हैं दूसरा काम जो मैनेजर्स करते हैं वो है मैनेजिंग द मैनेजर्स। जैसे मिडल मैनेजमेंट करती है, मिडल मैनेजमेंट क्या करती है, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट को मैनेज कर रही होती है। मिडल मैनेजमेंट जैसे मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर्स हैं, ये मिडल मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं, दे आर मैनेजिंग द मिडल मैनेजमेंट, ठीक है। सो मैनेजर्स को भी मैनेज करने की जरूरत होती है, ठीक है। और मैनेजर्स को आप कैसे मैनेज करते हैं, उन्हें टारगेट्स देके। हम 7 चैप्टर में एक पूरी थ्योरी पढ़ेंगे ड्रकर की, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बड़ी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन की थ्योरी है,
मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए आप एमबीओ डिप्लॉय करते हैं. एमबीओ स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. यू मैनेज द मैनेजर्स बाय डिप्लॉइंग एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ड्रकर ने कहा था कि आप वर्कर्स को और उनके काम को भी मैनेज करते हैं. ये काम करती है फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स. सुपरवाइजर्स जो हैं वो अपनी टीम के टारगेट सेट करते हैं उनके. तो आप देखें इन तीनों में डिफरेंस है, तीनों के तीनों मैनेजर्स ही. टॉप मैनेजमेंट भी मैनेजर्स में आती है, मिडिल मैनेजमेंट भी मैनेजर्स में आती है, और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट भी मैनेजर्स में आती है. तीनों मैनेजर्स, लेकिन इन तीनों के स्कोप ऑफ वर्क में डिफरेंस है. एंड दिस इज वेयर द ड्रकर डिफरेंशिएटेड द स्कोप ऑफ वर्क. ड्रकर ने यहाँ पे इनका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंशिएट किया था कि हर मैनेजर एक ही किस्म का काम नहीं करता. फियोल ने जब जीएमपी बनाए तो फियोल ने कहा कि हर मैनेजर ये 14 कानून यूज कर दे तो हर मैनेजर एक जैसा है. ड्रकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. ड्रकर ने कहा कि सारे के सारे मैनेजर्स मुख्तलिफ किस्म के स्कोप ऑफ वर्क में ऑपरेट कर रहे होते हैं. नॉट ऑल मैनेजर आर डूइंग द सेम थिंग. ठीक है, सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट भी करते हैं, टीम को के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, अपनी बात सब टीम को डेवलप भी करते हैं. यू सी, सो दिस इज हाउ द मैनेजर्स वर्क, दिस इज हाउ द मैनेजर्स ऑपरेट. एंड ईच मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन द हायरार्की, उसका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट होता है. डिपेंडिंग अपॉन कि उसका स्कोप अपना उसका लेवल क्या है हायरार्की में, उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो वेरी करेगा, वो डिफरेंट होगा. क्लियर हुआ? Any questions so far? चलें फिर, मेरा ख्याल है कि आज यहीं तक रखते हैं डिबेट को, बिकॉज माय लैपटॉप बैटरी इज अबाउट टू डाई. इससे पहले कि क्लास सडनली क्लोज हो, लेट्स क्लोज इट अ बिट फॉर्मली. टेस्ट की टाइमिंग आपके ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग में होगा, ठीक है. वी विल सी, अगर कोई टाइम बचा तो हम क्लास कंडक्ट करेंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि वो एक घंटा जो है उसमें से कम अज कम 30-35 मिनट्स जो है वो आप टेस्ट को दें, और उसी दौरान आप सबमिट भी कराएं, ठीक है. सो टेस्ट आपकी क्लास टाइमिंग में ही आप अटेम्प्ट करेंगे, और ड्यूरिंग दैट आप सबमिट भी कराएं. एंड इफ सम टाइम विल बी लेफ्ट विद, तो हम इंशाल्लाह फिर क्लास अपनी कंडक्ट कर लेंगे. इसलिए मैंने आज टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में ले गया हूँ कि इन केस अगर हम कल क्लास को कंडक्ट नहीं भी कर सकते तो टेस्ट आपका कल जो है वो इफेक्टिवली हो जाए, ठीक है. तो मैंने इसलिए एडिशनली एक थ्योरी पढ़ा दी है, अदरवाइज आई हैड प्लान्ड कि फर्स्ट सिक्स कर लें फिर. हाँ चलें, एल्टन मायो भी ऐड कर लेते हैं. लेट्स डू फर्स्ट सिक्स, ठीक है. फाइव रहने दें, चलें यार फाइव कर लें. ओके ओके, लेट्स स्टिक टू फाइव. चलिए फाइव फाइव, ओके डन. तो कल इंशाल्लाह फिर आप क्लास टाइमिंग में टेस्ट अटेम्प्ट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. देन सी यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच.